Next question. Question says a body of mass m is kept on a rough horizontal surface, friction coefficient mu dia A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not moving. Savale force by the surface on the block A is F, where और हमें एफ की वैल्यू बतानी है कहाँ होगी चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं पहला है एफिकल टू एम जी दूसरा है एफिजिकल टू म्यू एम जी या फिर एफ एम जी से बड़ा है और एम जी वन प्लस म्यू स्क्वायर के अंडर रूट से कम है या फिर एफ एम जी से छोटा है और एम जी प्लस वन माइनस म्यू स्क्वायर से बड़ा है आगे? तो सिंपल सवाल है बेसिक्स क्लियर होंगे इस सवाल से सो सिनेरियो ये है कि यह आपकी बॉडी जिसका मास एम ए बॉडी यहाँ पर यह ऐसे रखी हुई है और आप एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इसके ऊपर अपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं पुलिंग फोर्स लेट्स कॉल इट पी ठीक है तो पी इसको हमने फोर्स अप्लाई अप्लाइड फोर्स है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को म्यू दिया हुआ है अब हमें यहाँ बताना है द फोर्स बाय द सरफेस ऑन ए तो हमारे जो सरफेस ने आ, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया उसकी वैल्यू बतानी है सो नाउ कंसिडर द केस पहला केस हम कंसिडर करते हैं कि इफ पी इज इक्वल टू ज़ीरो आपके पुलिंग फोर्स की वैल्यू जीरो है ठीक है सो so, उस केस में अगर आप इस ब्लॉक का एफ बनाएंगे सो so इसका एफ बना नीचे आपका फोर्स एम लगा ऊपर आपका नॉर्मल फोर्स आया और यहाँ पे फ्रिक्शन और यहाँ पे पुलिंग फोर्स ये कहानी होनी थी अब पी ज़ीरो है तो अगर ये पी ज़ीरो है तो आपका फ्रिक्शन भी ज़ीरो होएगा उस केस में आपका जो फोर्स है जो आपकी आ, इन दोनों के बीच में फोर्स की जो बात हो रही है उस फोर्स की वैल्यू हो गई एम तो यह आपका पहला केस बन गया नाउ सेकेंड केस है आपका जब हम कह रहे हैं कि इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन जीरो सो आपका पुलिंग फोर्स है वो जीरो से ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो उस केस में जो आपका एफ बनेगा ये तो उस केस में हम ये लिख सकते हैं कि ये आपका इधर पुलिंग फोर्स है पीछे फ्रिक्शन आएगा नीचे ये एम आएगा ऊपर नॉर्मल आएगा तो इस केस में जो आपकी बॉडी के ऊपर सरफेस ने फोर्स लगाया है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होएगा तो आपका एफ जो है वो होएगा अंडर उट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इन दोनों का रिजल्टेंट इसको हम यहाँ पे नेट कॉन्टेक्ट फोर्स भी कहते हैं तो ये आपका फोर्स हो जाएगा ना यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस म्यू एन स्क्वायर और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी एफ की वैल्यू वो हो जाएगी एन अगर हम बाहर ले लें सो एन विल बी इक्वल टू अंडर एन एफ विल बी इक्वल टू एन वन प्लस म्यू स्क्वायर नाउ अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बैलेंस करें तो आपका एन विल भी इक्वल टू एम जी सो यहाँ पे आप फोर्स को लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू एम जी अंडर रूट वन प्लस म्यूज का सो नाउ इस केस में जो एफ है अगर आपका पुलिंग फोर्स ज़ीरो है तो आपकी एफ़ की वैल्यू एम जी है पुलिंग फोर्स अगर आपका इससे ज़्यादा है तो ये आपकी फोर्स की वैल्यू है जो नेट फोर्स यहाँ पे नेट कॉन्ट्रैक्ट फोर्स अप्लाई हुआ है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपकी मिनिमम वैल्यू इस फोर्स की एम जी है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये है सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर